ठीक है, सुमंती को वो लोग नहीं दे रहे हैं तो 45,000 तुम लोग दे रहे हैं, तो आज ही अरे मतलब हम लोग रिश्ता जोड़ेंगे, दूसरा लड़की तुम्हारे लिए खोजेंगे, इसी गांव से ले जाएंगे, बोल के बोल रहा है एक भैया। तो फिर उतना हेलो एवरीवन, आप लोगों को फिर से नया वीडियो में हार्दिक स्वागत है। और हम दोनों आप लोगों के दुआ से, आप लोगों के सपोर्ट से बहुत अच्छे हैं। हम दोनों हमेशा मुस्कुराते रहते हैं आप लोगों के बदौलत। शायद आप लोग नहीं रहते तो शायद हम दोनों का फेस पे मतलब स्माइल नहीं रहता है ना। तो आप लोग को पता चल गया है कि किस मैटर पे आज बात करने वाले हैं। थंबनेल आप लोगों ने देखा तो आप लोग को पता चल गया, और कहीं ना कहीं आप लोग इस वीडियो पे क्लिक किए हैं। तो हम दोनों का रिश्ता कैसे बना, इसी के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं, इसीलिए आप लोग क्लिक किए होंगे। तो चलिए गाइस, हम दोनों का मिलना, हम दोनों में प्यार कैसे हुआ, ये सब तो आप लोग जान गए। तो आज आप लोग को बताना चाहते हैं हम दोनों कि हम दोनों का रिश्ता कैसे बना। मतलब रिश्ता जब बना तो हम दोनों को क्या क्या कठिनाइयाँ मतलब फेस करना पड़ा है ना। तो सबसे पहले तो चलिए शुरू करते हैं हम दोनों का रिश्ता कैसे बना। तो गाइस, आप लोग को पता है कि आदिवासियों का रिश्ता कैसे बनता है, मतलब बात मतलब इधर उधर किया जाता है बात को, मतलब इधर उधर कहने का मतलब कि इधर का बात को उधर पहुंचाते हैं और उधर का बात को इधर पहुंचाते हैं। हाँ, तो इसके लिए दूतामी होना जरूरी है, दूतामी यानी कि जो अगुआ करते हैं, बात चलाते हैं। बट हम दोनों तो क्या बोलें, मतलब शुरू में मेरे भाभी लोग बात चलाए थे, तो बाद में फिर हम दोनों एक दूसरे को जाने पहचाने, उसके बाद प्यार हुआ, फिर हम दोनों का कोई ऐसे दूतामी नहीं था, इसलिए दूतामी तो खोजना जरूरी था, दोनों तरफ का दूतामी, इसके तरफ से भी और मेरे तरफ से भी दूतामी मतलब रहना जरूरी था। तो हम लोगों ने क्या किया कि मेरे दीदी है एक, जो हम लोग का गांव से ही ले गए हैं इनका गांव, तो वही जीजा को हम लोग पकड़े हम लोग तरफ से दूतामी के लिए। और तुम लोग तरफ वही थे ना? अच्छा, वही था, इनके तरफ से भी वही था जीजा लोग ही। तो फिर वो लोग को दूतामी हम लोग रखे, अगुआ रखे, फिर वो लोग बात चलाए, फिर हम लोगों को बुलाया गया डाली टक्का का बात करने के लिए, और हम लोग वहाँ गए इनका गांव। तो इनको पता ही नहीं था कि आज हम दोनों का डाली टक्का का बात होने वाला है, ये पता ही नहीं था इनको, और ये तो बैल चराने चली गई। और इनको घर वाले बताया ही नहीं था कि आज तुम्हारा डाली टक्का का बात करने के लिए बमनी से लोग आ रहे हैं, ये इनको पता ही नहीं था। इनको मैं फ़ोन किया, फ़ोन करके पूछा तुम कहाँ हो, तो ये बोल रहे कि बैल चरा रही हूँ। तो इनको मैं बोला कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं तुम लोग का घर डाली टक्का का बात करने के लिए, फिर तुम तो बैल चरा रही है, तुमको पता नहीं है क्या, बोल के बोले। तो ये बोल रहे नहीं मेरे को तो नहीं पता है, बोल के बोल रही है। तो चलिए हम लोग तो निकल गए यहाँ से बात करने के लिए, बोल के बोले। उसके बाद इनको बुलाने के लिए कोई जाते हैं, और फिर वहाँ से आती है बैल चराने जगह से आती है, फिर पानी वानी सब हम लोग को देती है, और खाना पकाने सब में लग जाती है ये। और उतना तक में हम लोग इधर बातचीत शुरू कर दिए, मेरे तरफ से भी 5 लोग को ले गए थे डाली टक्का का बात करने के लिए, और उधर से भी इनके तरफ से भी डाली टक्का बात करने के लिए 5 लोग थे। तो हम लोग यहाँ से पहले ही मन मतलब मन तो नहीं क्या बोलेंगे मतलब हम लोग फिक्स किए थे कि 30,000 30,000 तक में हम लोग फाइनल करेंगे, इतना हम लोग का बातचीत हुआ था 5 लोग के साथ में। तो फिर वहाँ हम लोग गए, और उधर का 5 लोग कैसे बात किए थे ये भी आप लोग को बता रहे हैं। तो वहाँ सबसे पहले डाली टक्का रखा गया था 75,000 रखा गया था इनका रेट। हालांकि किसी का रेट नहीं दिया जा सकता है, लेकिन रखा था इतना 75,000। उसके बाद सेकंड में आया
70,000, 70,000 के बाद आया 55,000। तो हम लोग 55 में भी मतलब राजी नहीं थे, क्योंकि उतना आमदनी नहीं था मेरे पास भी। मैं टीचिंग करता था, लेकिन टीचिंग करने से भी प्राइवेट टीचिंग करने से कितना मिलेगा, महीना में हमको 3500 मिलता था, उसी से फिर इसका डायरेक्ट का भी देना तो संभव नहीं था। और मैं किसी पे डिपेंड नहीं था, मैं अकेले ही, बस माँ मुझे हेल्प करती थी, तो माँ और मैं केवल, और भैया लोग हैं वो लोग तो अपना परिवार को देखते हैं। तो ऐसे स्थिति था मेरा, इसलिए संभव नहीं था उतना पैसा देने के लिए भी मेरे साथ। तो बहुत दिक्कत हुआ वहाँ पर। अब वहाँ पर पांच लोग के बीच में बातचीत मतलब बन ही नहीं रहा था, एक दूसरे का बात से मतलब सहमत ही नहीं थे। तो फिर बहुत दिक्कत हो गया, और लास्ट में हम लोग बोले 45,000। 45,000 में अगर बनेगा तो ठीक है, और नहीं बनेगा तो हम लोग इतना से नहीं सकेंगे, बोल दिया। उसके बाद तो फिर वो लोग भी नहीं मान रहे, इनका घर वाले भी या पांच लोग भी नहीं मान रहे हैं 45,000 में। फिर ऊपर से कपड़ा लाता भी देना था, और सब लोग बोल रहे हैं आखिर लड़की को तो पालने जो हम लोग ले जा रहे हैं, खरीद के थोड़ी ले जा रहे हैं, बोल के बोल रहे हैं पांच लोग भी। तो फिर ऐसा ही बहुत मतलब एकदम लंबा चौड़ा बात हुआ वहाँ पर। फिर नहीं बना हम दोनों का रिश्ता, एग्री नहीं हुआ जितना ये लोग बोल रहे थे उतना में हम लोग एग्री नहीं हुए, और हम लोग जितना बोल रहे थे उतना में ये लोग एग्री नहीं हुए। तो फिर हम लोग वहाँ से क्या किए कि एक एक करके उठने लगा सब कोई, जितने भी पांच लोग थे, माँ लोग थे, भैया भाभी लोग थे, वो लोग उठने लगे। फिर वो लोग दूतामी का घर चले आए। उसके बाद फिर वहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि क्या करें, तब अगर नहीं बन रहा है तो छोड़िए दूसरा लड़के मिल जाएगा, बोल के बोल रहे हैं सब लोग, मुझे बोल रहे हैं, संतावना दे रहे हैं मेरे को, और मुझे तो बहुत पसंद थी, इसलिए मेरा मन तो नहीं मान रहा है। तो फिर वहाँ पर बात करते करते एक भैया बोला कि ठीक है, सुमंती को वो लोग नहीं दे रहे हैं तो 45,000 तुम लोग दे रहे हैं, तो आज ही मतलब हम लोग रिश्ता जोड़ेंगे, दूसरा लड़की तुम्हारे लिए खोजेंगे, इसी गांव से ले जाएंगे, बोल के बोल रहे हैं भैया। तो फिर उतना तक बात हुआ। फिर ये लोग का तरफ का जो पंच था वो मैं हम लोग के पास पहुंच गया, और फिर चलिए आप लोग जितना बोल रहे हैं उतना ही मैं हाँ कर रहे हैं हम लोग, इसलिए बाना बानी हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों तो अलग होने वाला नहीं है, बोल के बोल रहे हैं। उसके बाद फिर बहुत लोग बोल रहे हैं कि नहीं जाएंगे अब, वहाँ से हम लोग वापस आ गए हैं तो कैसे जाएंगे, नहीं जाएंगे अब, बोल के बोल रहे हैं मेरे तरफ का जो पंच लोग। और फिर मैं इसको भी फ़ोन किया उसी टाइम, वहाँ पे थे हम लोग जो दूतामी के घर में थे, उसी टाइम मैं फ़ोन किया इनको कि हम लोग का तो नहीं बना रिश्ता, ऐसा ऐसा मतलब तुम्हारा पिताजी नहीं मान रहा है, पंच लोग नहीं मान रहा है इतना दाम, तो हम लोग वापस मतलब लौट रहे हैं घर, मैं बोला इनको। तो ये बोली कि जितना वो लोग बोल रहे हैं उतना ही हाँ कर दो, बोल के बोल रही है। तो फिर मैं बोला क्यों हाँ कर दूँ उतना, बोल के बोल रहे हैं पैसा तुम देगी, बोल के बोल रहे हैं। तो ये बोल रहे हाँ मैं दूंगी पैसा काम करके, बोल के बोल रही है। तो मैं इनको पूछा फिर तुम कहाँ काम करने जाएगी और तुम पैसा देगी, मैं पूछा। तो ये बोल रही है कहीं भी मैं जाऊँगी और चुकाऊँगी पैसा, ऐसे बोल रही है। तो मैं इनको बोला कि तुम कहीं भी जाएगी क्या करेगी, कहीं भी जा करके, तुम बोल के बोल रहा हूँ मैं। तो नहीं हम कहीं तुमको भेजने वाले नहीं हैं, तुमको कहीं नहीं भेजेंगे काम करने के लिए, मैं बोला इनको। और उतना तक में तो इनका आंसू भी मतलब टपकने वाला था, रोने वाले थे, इसका टोन भी चेंज हो गया बात करने का टोन भी। फिर बाद में फिर बोले कि ठीक है हम लोग आ रहे हैं, मान गया शायद, तो बोल के बोले। उसके बाद हम लोग घर गए, इनका घर फिर से वापस, फिर वहाँ पर बातचीत किए। उसके बाद वहाँ पर जो भी वहाँ पर बनाना था कागज में मतलब लिखना था पेपर पे हम लोग का डायलिटिका को ले करके, वो सब हम लोग लिखे। उसके बाद फिर खाना पीना मतलब ये लोग पका के रखी थी पहले ही, और ये लोग मीट मछली सब लेके लाए थे, मीट और बॉयलर ना चिकन, तो वो सब हम लोग खाए। उसके बाद में फिर वहीं पर तुरंत में हम लोग को बोल दिया गया कि लोटा पानी भी तुरंत होने वाला है। अब तुरंत बोलने से थोड़ा सा बहुत दिक्कत हो जाता है, क्योंकि मेरे घर में कोई काम करने वाला नहीं है, सिर्फ मैं ही केवल था, और हमको सपोर्ट करने वाले मतलब एक्चुअली नहीं था कोई, मैं अपने से सब कुछ ही किया हूँ। तो ऐसी स्थिति था, और माँ भी बुढ़िया हो गई है तो नहीं सकती है,
तो वो कितना हेल्प करेगी। तो ऐसा स्थिति है मेरा अभी भी है वैसा ही, और उस समय भी था, तो बहुत दिक्कत हो गया मतलब तुरंत तुरंत में मतलब हुआ। तो लोटा पानी कैसे हुआ, कितना जल्दी हुआ और मुझे क्या करना पड़ा लोटा पानी के लिए, फिर बड़का कुटुंब के लिए मुझे क्या क्या सब करना पड़ा, ये सब मतलब आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा चौड़ा हो जा रहा है, तो फिर आप लोग भी मतलब क्या बोले बोरिंग लगेगा। तो इसलिए आज का वीडियो में बस इतना ही है ना कि लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए गैस आप लोग वीडियो में हमेशा हम दोनों का चैनल पे आप लोग बने रहिए, जिससे कि हम दोनों का जो भी लव स्टोरी हुआ या तो रिलेशन हुआ इनके बारे में आप लोग को बता सके और आप लोग सुन के भी मजा ले सके। बस हम दोनों यही चाहते हैं कि यदि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, और वीडियो को क्या करें लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और एक चीज़ के लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं, है ना, कि आप लोग हमेशा बहुत अच्छा कमेंट्स करते हैं और वीडियो भी देखते हैं, और आप लोग हमेशा क्या बोलें, शायद हम दोनों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते होंगे कि हम दोनों खुश रहें, इसीलिए शायद आज हम दोनों हमेशा खुश रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। देख सकती है सुमन कितना मुस्कुरा रही है। तो गैस बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, हमेशा आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट करते रहिए। तो ठीक है गैस, बहुत लंबा चौड़ा हो रहा है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे। सो थैंक यू, बाय बाय।